पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम। नमस्कार अम्रीजनो, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज ऑलरेडी मिल चुका है, मैं लाइव में आके आपसे डिस्कस भी किया था। बीएचयू ने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, सरप्राइज दिया है। बीएचयू के कई सारे ऑफिशियल्स लोगों को भी बीएचयू ने सरप्राइज किया है। इस बार की जो सीएसी है, उन्होंने सडन सामर्थ के साथ अपनी एक मीटिंग बुलाई और बहुत ही विचार करके और इन लोगों ने अपने पोर्टल को अपडेट किया और फाइनली सीयूटी पीजी 2024 के लिए आपका फॉर्म इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुका है। होता क्या है कि सामर्थ के पास ऑलरेडी एक बॉक्स है, मतलब इनका एप्लीकेशन पोर्टल बना हुआ है और आपको करना है क्या, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस उसमें जिस भी यूनिवर्सिटी का भी लोगो डालना है, नेम डालना है, उसका बुलेटिन अपलोड कर देना है। फाइनली आपका वेबसाइट ऑलरेडी रेडी हो जाता है। इसीलिए बहुत ही सरप्राइज तरीके से हमारे पास ये आया। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन काउंसलिंग नहीं है, लेकिन अब सपोर्ट ऑफ सामर्थ का है, उसके ही समर्थन में होना है, लेकिन करेगा बीएचयू की अपनी सीएससी टीम। हम लोग आज देखेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देना है बिफोर रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी पीजी 2024। सो प्लीज ऑल पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर फिलिंग द फॉर्म। आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी मत करना। इतना मेहनत करके आए हो, कड़ी मेहनत की हो आपने, तैयारी करी है, एग्जाम दिया है, धूप में जाके तो फॉर्म भरने में अगर गलती कर दोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो ये वीडियो आपके ही फायदे के लिए है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दुश्मन दोस्त का भी भला करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब ये बीएचयू आपका ऑफिशियल लिस्ट पब्लिश करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इस नंबर पे आपका एडमिशन चल रहा है। मैं ही आपको बताऊंगा कि देखो भाई इतने नंबर अभी नीचे जा सकता है। तो प्लीज ऑफिशियल्स एंड अनऑफिशियल एनालाइज कट ऑफ एनालिसिस के लिए एटलीस्ट हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस बार हम लोग का 1 लाख होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बड़े परिवार का हिस्सा बने और प्यारे परिवार का हिस्सा बने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि जो ओपनिंग डेट है वो स्टार्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मे से ये स्टार्ट इन लोगों ने कर दिया है। ओके, कल से स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग डेट जो है वो 25th ऑफ मे है। इस महीने के अंतिम तारीख तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन फॉर्म फिलअप कब करें, आपसे अनुरोध है कि 2 दिन से पहले आप फॉर्म फिलअप ना करें। अभी फॉर्म आया है, ठीक है, तो आज अगर 5 मे होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो आप 7 मे तक फॉर्म को स्टार्ट करें फिलअप करना, ठीक है। 7 मई से, 7 मई से फिलअप करें, अभी जल्दबाजी ना करें। अगर आज 5 है तो बाकी आप लोग देख लेना। दूसरी चीज ये है काउंसलिंग वाला एक नंबर, जो कि बच्चों के बहुत सारे डाउट थे। मेरे को इस तरीके के भी मैसेज मिले कि सर हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कोई साइबर वाला अच्छा नहीं है, और साइबर वाला अगर है तो वो गलत हमारा फॉर्म फिलअप कर देता है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इस नंबर से घर बैठे अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। नॉट ओनली बीएचयू, यू कैन जेन इंजेन्यू इंडीयू बीबीएयू, इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब साइबर का पूरा काम करते हैं और एक्सपर्ट टीम है, बीएचयू के कुछ स्टूडेंट्स मिलके ही करते हैं इसमें। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हो घर बैठे तो आप इनसे करा भी सकते हो। ये आपका बड़ी, आप मास बताओगे, ये आपके कम पैसे में कई यूनिवर्सिटीज का कर देंगे। जैसे आप बार बार जाओगे ना साइबर के पास, इनको एक बार में आपका करते जाएंगे, फोन करो मैसेज कर दो करते जाएंगे, ठीक है। तो बस इस पे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करना है, बाकी ये लोग खुद ही आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और आपका जो भी आगे फर्दर कन्वर्सेशन होगा वो आप देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किया जाए जिससे हम लोग, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑफिशियल है, ध्यान देना, ये उन्हीं के पोर्टल से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो सीयूईटी के थ्रू ही होनी है, मतलब आपकी जो बीएचयू के मार्क्स हैं वो सीयूईटी वाले ही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, मतलब ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि भाई आप उस टेस्ट के लिए सीयूईटी पीजी प्रोग्राम में रहें, कहने का मतलब ये है, ठीक है, फिलिंग सीयूईटी फॉर्म एनटीए हैज अपीयर्ड इन द कंसर्न टेस्ट फॉर द पीजी। आप जिस भी कोर्स में जा रहे हो, जिस भी बीएचयू के कोर्स में जा रहे हो, एनटीए में वो कोर्स होना चाहिए। आप उस कोर्स का एग्जाम दे रहे हो, उस कोड का एग्जाम दे रहे हो, उस विषय का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ये चीज हो गया।
बेसिक एलिजिबिलिटी एडमिशन कुछ है यहाँ पे, देखो इनका कहने का मतलब है आप फॉर्म भरने से पहले बुलेटिन जरूर पढ़ लो। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कोर्स के लिए बीएचयू में जा रहे हो उसका कोड क्या है, उसकी फीस कितनी है, उसकी सीट कितनी है। बार बार ये बात अक्सर ये लोग करते रहते हैं, तो बुलेटिन आप प्लीज पढ़ लेना, वो कहाँ मिलेगा, पोर्टल पे मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी तो सामर्थ वाला है ही यहाँ पे, ये है देखो। ठीक है, यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के, कैप्चा कोड डाल के आप देखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं, एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट चूजन एट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एनटीए सीयूटी, मतलब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट है वो सीयूटी पीजी जो प्रोग्राम में चूज किया गया था उसी बेसिस पे होगा। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ और चूज किया था और आप बीएचयू में आके कुछ और चूज करोगे, जिसका एग्जाम दियो वही यहाँ पे आप करोगे। ठीक है, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि सीयूटी पीजी के ही स्कोर को, सीयूटी पीजी के ही स्कोर को ये लोग आपका स्कोर मानेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे सीजीपीए को कन्वर्ट करने के लिए, यानी बीच में वो लोग बोलेंगे ना परसेंटेज में डालने के लिए, तो आप ध्यान देना कि 9 पॉइंट, देखो पहली बार तो हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सीजीपीए है, ठीक है, जो भी आपका सीजीपीए है आप ये पूरा कैलकुलेट कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो आपका परसेंटेज में हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये बीएचयू के लिए है बेसिकली, ठीक है, हम बीएचयू के हैं तो हमें पता है कि बीएचयू का यही होता है, बाकी हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल होता है, आप प्लीज वो पता करके ही फिलअप करिएगा। उसके बाद फॉर्म भरते वक्त अपना जेंडर, अपनी कैटेगरी, ये सब बहुत अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक अगर हुआ तो वो लोग आपको कैंसिल कर देंगे, ऐसा कहना है। रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू विल बी बेस्ड ऑन द एनटीए एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर आपको सही डालना है, बहुत सारे डेटा जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ले लेंगे लोग, बस आप एनटीए नंबर सही डाल दोगे आपका डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा पूरा इनके पास। यहाँ पे है कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी टू स्कैन, आपके पास आपका फोटो सिग्नेचर स्कैन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट होना चाहिए, यूजी का ऑल सेमेस्टर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी ग्यारहवीं सॉरी 12वीं 10वीं ये सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फी है, तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी एक मेथड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर लो, हर कोर्स का अलग अलग होता है, तो एक बार बुलेटिन आप पढ़ लेना, तो वो एक बोल रहे हैं। और फॉर्म भरने के लिए बेसिकली आप क्या करना, लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करना, जिससे कि आपके पास ट्रैफिक ना हो, पॉल्यूशन ना हो, आप इजिली इसको भर सको, इसीलिए मैंने ये नंबर दिया, क्योंकि ये लोग इससे आपका फॉर्म इजिली भर देंगे। अब मेन इंपॉर्टेंसेस है कि जो बातें आपको ध्यान देनी है, जैसे कि कुछ बच्चा जो है, यहाँ पे ध्यान से समझो मेरी बात को, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट अभी नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ध्यान दो कि लास्ट डेट फॉर्म की रखी गई 25 मई, ठीक है, 25 मई रखी गई है, यानी अभी हमारे पास आराम से 20 दिन है, आप चाहोगे तो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट को बनवा लो, ठीक है, ये चीज हो गई। तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनवा लो, स्पोर्ट्स कोटा का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल में अगर पढ़ा है तो निकलवा लो, किसी अथॉरिटी के पास है तो वहां से निकलवा लो, स्कैंड कॉपी से भी काम चल जाएगा, अगर वो नहीं आ पाता है तो आप बोलो उसे प्रॉपर वे में स्कैन करके भेज दे, फॉर्म भरने के लिए काम हो जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट EWS, OBC, STSC नहीं है वो आप बनवा सकते हो अगर आपने फॉर्म में क्लिक किया था तो, ठीक है। अब क्या BHU को ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन सामर्थ पोर्टल होने की वजह से नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो लोग स्टार्टिंग से फॉर्म में क्लिक किए थे कि हमें BHU चाहिए उन्हीं के लिए फॉर्म है, ऐसे बच्चे जो हैं वो फर्दर इंतजार करें, हो सकता है ये लोग आगे मौका दें, मैं तो चाहूंगा कि मौका देना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना डेटा मिसमैच होने लगता है, मैं बोला ना कि सीयूटी का एप्लीकेशन डालते ही वो पूरा डेटा इनको पता चल जाता है कि लड़का किस सब्जेक्ट में आना चाहता है और किस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हुआ है। अब आप बीएचयू नहीं चूज किए हो और अचानक से अगर आप क्लिक करते हो, अब वो लोग आपको मौका देते हैं तो इनको था मेहनत पड़ जाता है, इसीलिए मौका नहीं देते हैं। ओबीसी एससी एसटी नहीं है तो क्या करें, ध्यान दो ऐसे केसेज में, जैसे कि बच्चा डर जाता है कि सर हमने ओबीसी तो क्लिक कर दिया लेकिन अब किसी कंडीशन में हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट बन नहीं पाएगा, उनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं बन पाएगा, या हमारा एसटीएससी नहीं बन पाएगा, या हमसे भूल से पीडब्ल्यू वहां पे क्लिक हो गया, ऐसे कंडीशन में किसी का एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, ध्यान देना। बस आपका एडमिशन जो है वो जनरल कैटेगरी से कर दिया जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। बेसिकली ये सब चीजें क्यों लगाई जाती हैं, रिजर्वेशन के लिए लगाई जाती हैं, आपको एक स्पेशल छूट मिलती है। अब कुछ और चीजें भी नोट करा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है,
आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स कोटा। भाई स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है, प्लीज रिक्वेस्ट है आज इसका यूटिलाइज जरूर करें। ये 3% और बाकी उसके बाद भी एडिशनल सीटें देता है अलग अलग डिपार्टमेंट फैकल्टी में। तो आपसे निवेदन है कि स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास नेशनल लेवल का है, ठीक है, नेशनल और रीजनल लेवल का है, किसी गवर्नमेंट कमेटी के थ्रू आपने खेला है, वो स्कूल लेवल वाला नहीं चलेगा, नेशनल रीजनल होना चाहिए, तो आप स्पोर्ट्स कोटा यूज करें, इसका फायदा उठाएं। आपके पास कोई EWS है, ठीक है, आप इसका फायदा उठाएं। PW है आपके पास, ठीक है, आप इसका फायदा उठाएं। ये सब आपको यूटिलाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट BHU के बच्चों के लिए, जो बच्चे भी BHU से आ रहे हैं अभी, जस्ट ध्यान देना कि BHU के बस इसी साल के बच्चों के लिए इन्होंने छूट दिया हुआ है 23-24 के लिए। अच्छी बात है, अगर बस 23-24 को मिला गया है तो सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही लोग को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, BHU कोटा लेने के लिए कॉलम में BHU कोटा जरूर टिक करना है, जरूर टिक करना है BHU कोटा। अगर आप BHU कोटा नहीं टिक करोगे आपका कोई मतलब है, फॉर्म भरते वक्त आएगा एक ऑप्शन BHU कोटा, तो आप लिख देना BHU कोटा, शायद आपसे वो लोग इनरोलमेंट नंबर मांगे तो आप वहां पे फिलअप कर देना। एक और यहाँ पे मुझे बात याद आ रही है, आपसे लोग हॉस्टल के लिए, ठीक है, हॉस्टल के लिए ये लोग आपसे टिक करवाएंगे। जिनको भी हॉस्टल चाहिए वो हॉस्टल जरूर टिक करेगा, जिनको भी हॉस्टल चाहिए फॉर्म में हॉस्टल जरूर टिक करेगा। यहां नहीं टिक किए तो आगे हॉस्टल्स के ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, यहीं पे टिक करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर हमारे पास जो आधार है, ठीक है, उसका एड्रेस कुछ और है, हम रहते कहीं और है। ये आधार वाले ही एड्रेस को, आधार वाले ही एड्रेस से ये लोग हॉस्टल आपको देते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये हॉस्टल जो है इसी आधार वाले एड्रेस से मिलता है, जो वहां पे परमानेंट एज एड्रेस करके आप डालते हो। तो ध्यान देना है कि आप कहीं दुनिया में रहो, आप परमानेंट एड्रेस के तौर पे आधार वाला यूज करना, इससे कुछ दूसरा चीज नहीं काउंट होता है, ये बस काम आता है आपके हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। और ये चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो 80% प्लस 20% होती है, यानी कि इसमें डिस्टेंस और नंबर दोनों मैटर करता है हॉस्टल के लिए। इसीलिए डिस्टेंस आप प्रॉपर डालना, जो दूर का हो वही डालो, उससे फायदा रहता है, हॉस्टल मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें मैंने आपके दिमाग में डाल दी कि गलती नहीं करना है। जो फोटोज आप वहां पे डालने वाले हो वो फोटोज NTA वाला ही होना चाहिए, या अगर नया फोटो है तो प्रॉपर क्लियर फोटो होना चाहिए, ठीक है, वो स्कैंड होना चाहिए, साइन बहुत ही ब्लैक पेन से गाढ़ा क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रिफरेंस सेलेक्ट कर रहे होते हो, ध्यान देना कि BHU ने इस बार बहुत सारी चीजें खत्म की है, जैसे कि उन्होंने मौका नहीं दिया है कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो बियॉन्ड द NTA में जो चीज जो एग्जाम दिए हो, मतलब NTA जो एग्जाम दे के आए और बस वही आप यहाँ चूज कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले मौका दे भी देते थे कि आप ये पेपर दिए, चलो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हो तो आप दे सकते हो। तो ये सब चीजें बदलाव हुई है, प्रॉपर वे में आप फॉर्म भरे। बाकी अगर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो होपफुली कि आप लोग फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फॉर्म भरने से पहले आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, और मुस्कुराते रहना है। कोई प्रॉब्लम अगर रह जाता है, मेरा इंस्टा है निर्दर्शन, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।